वैसे तो कल रात में मैंने इन लोगों को देख लिया था कि इनके कुछ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हुई है, मगर यार मैंने इतना ज़्यादा तो नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा। बहुत बुरा हाल हो गया यार, पता नहीं क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई है। इधर आओ, ये तो आ गया, इसको भी देख दिखाता हूँ अभी मैं आपको। यार इसकी बहुत बुरी हालत हो गई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके हुआ क्या है। ये देखें, इसके यहाँ पे पूरा फूल गया है, ये देखें इसके ये पूरा एरिया फूल गया, और यहाँ पे ना कुछ हो गया है इसके। ये देखें, नज़र आ रहा हो तो आपको, यार पता नहीं किसकी नज़र लग गई है इन दोनों को, और इसका भी यही बहुत बुरा हाल हुआ है। अगर जिन लोगों से नहीं देखा जा रहा तो नहीं देखे, ये देखें क्या हुआ है इसको भी, और इसकी आवाज़ भी तब्दील हो गई है, देखें इतना खतरनाक इसके वो हो गया, अंदर तक दिख रहा है बेचारा, और किस कदर तकलीफ में था पहले भी। इसकी टांग का भी बहुत बुरा हाल हुआ था, ये देखिए इसकी टांग भी टूटी हुई थी। यार क्या करूं मैं इनका, अभी मैंने सोचा इन दोनों को मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, मेरी तो बहुत बुरी हालत हो रही है। ये दोनों मानों के बच्चे हैं जिसका इंतकाल हो गया, दोनों मानों के बच्चे, और ये वाला जो बच्चा है ना मानों का, ये वाला, ये अभी 1 साल का भी नहीं हुआ और वो 2 साल का। यार इतना बुरा हाल हो गया तुम दोनों, हम लोग ना शादी वगैरह में लगे हुए थे तो इनको हम देख भी नहीं पा रहे थे, पूरा ये फूल गया ये वाला एरिया। अभी ना बराबर वाले उन्हें बताया क्या ना, वो जो वो वाला है ना, जो मानों का बड़ा वाला बच्चा है, वो ना गाड़ी के नीचे आ गया था। अबे यार तुम लोग आज़ाद रखते तो इसका मतलब तुम गाड़ी के नीचे आ जाओ। ये देखिए ये गाड़ी के नीचे आया था, इसके पूरा यहाँ पे गाड़ी चढ़ी थी, इसके यहाँ पे भी चोटें लगी है, ये देखिए यहाँ पे भी खून लगा हुआ है, इसके यहाँ पे भी खून है, और इसकी आँख में भी इतना दर्द हो रहा है बेचारे के, बहुत तकलीफ में, ये देखें हाथ लगा हुआ इतना तकलीफ में ये बेचारा, और इससे भी पहले इतनी ज़्यादा तकलीफ में रह चुका है इसकी टांग का मसला जो हुआ था। अभी मैं इन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, अल्लाह करे हॉस्पिटल में जाके ये दोनों सेट हो जाए। जैसे इंसान के होता है ना टॉन्सिल्स हो जाते हैं गर्दन के नीचे या गले के नीचे, उसी तरीके से इसको भी ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल सेम ऐसा ही चीज़ हुई है जैसे इंसानों के हो जाते हैं ना यहाँ पे टॉन्सिल्स हो जाते हैं। ये लोग कुछ भी खा लेते हैं, मतलब इनको गोश्त कच्चा दे दो कच्चा भी खा लेते हैं, उबला हुआ दे दो उबला भी खा लेते हैं, रोटी भी खा लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, और हड्डी वाला गोश्त भी खा लेते हैं। मगर अभी जब से इनकी तबीयत खराब हुई है ना, मैं इनके लिए बोनलेस चिकन लेकर आ रहा हूँ, इन लोगों के लिए बोनलेस चिकन है। इधर आओ, इधर आओ, ये लो ये लो ये लो, ये खाओ, इधर आओ इधर आओ, क्योंकि इनके गर्दन में इतनी तकलीफ है। अभी थोड़ा सा एक्टिव हुआ है ये चिकन को देख के, वरना तो इतना सुस्त हो रहा था। ये थोड़ा सा चिकन खा लें, फिर उसके बाद इनको मैं दोनों को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। पहले हम छोटे वाले को लेके जाएंगे, जो छोटा वाला मानों का बच्चा, ये वाला, इसको फर्स्ट लेके जाएंगे, फिर उसके बाद इसको लेके जाएंगे, मतलब आपस में रखते हैं। तो ये दोनों इतना लड़ते हैं इतना लड़ते हैं, हालांकि भाई हैं, वो 2 साल पहले हुआ, अभी 1 साल भी नहीं हुआ इसको पैदा हुए हुए, और दोनों अब फिर भी लड़ते हैं भाई होने के बावजूद भी। और सोनू भाई के साथ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है, सोनू भाई बाइक पर आराम से लेके जाना है, बिल्कुल प्यार से पकड़ना, क्योंकि इसकी तबीयत सही नहीं है यार। हाँ भाई तो परेशान ना हो, ले जाएंगे। चलो बिस्मिल्लाह। कुछ कर तो नहीं रहा ये, मैं थोड़ा सा तड़प रहा हूँ, चल रहा है तकलीफ में बेचारा। तुम सीधा करके पकड़ो ना, बस थोड़ी देर की बात है, बस थोड़ी देर की बात है। बिल्लियों वगैरह का इधर तस्वीरें वगैरह भी बनी है, नागन पे है, और ये सेफली माशाल्लाह से आ गए। चलो सोनू भाई अंदर चलते हैं, सोच रहे हैं अल्लाह करे ये सेट हो जाए इसकी तबीयत, बस इसका ख्याल है यार, वरना ना बहुत बुरा लग रहा है बार बार। बिल्ली को लेके फाइनली एक क्लिनिक पर आ गया हूँ, इससे पहले भी मैं एक क्लिनिक पर गया, मगर वहाँ पर पता है क्या हुआ, वहाँ पे मैं अंदर गया, मैं वीडियो बना रहा था, उन्होंने बोला भाई सर जी वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। मैंने पूछा क्यों अलाउ नहीं है, बोले बस अलाउ नहीं। मैंने बोला बताएं तो सही क्यों अलाउ नहीं है, वजह क्या है। इतना बुरा लगता है ना कभी कभी। मैंने उनको बोला देखें मैं सिर्फ अपनी वीडियो बनाऊंगा, और सिर्फ अपनी बिल्ली की, जो मैं अपनी बिल्ली अपने साथ लेकर आया हूँ, सिर्फ उसकी वीडियो बनाऊंगा। वो बोले नहीं वीडियो बनाना अलाउ नहीं। मैंने बोला आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, फिर भी वो समझ ही नहीं रहे। मैंने बोला चलो खैर, हम कहीं और चल रहे थे, मगर ना इतना दुख होता है ना कभी कभी, हम लोगों का मुल्क इतना वैसे ही पीछे है और लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। अब मैं यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ ना, अब एक बंदा यहाँ से गुजर रहा होगा, वो बोलेगा अरे वो देखो टिकटॉक बना रहा है। अबे भाई मतलब लोगों को अभी तक ना अवेयरनेस ही नहीं आई है। अभी अल्लाह करे ये भी वीडियो की इजाज़त दे दें। सुनो भाई इसको निकाल देते हैं, मैं तो कह रहा हूँ परेशान हो रहा होगा बेचारा, निकाल दो। नहीं नहीं कहीं नहीं जाएगा। अच्छा अभी साइड बैठा हुआ है, चलो साइड है, और यहाँ डॉगी वॉगी भी बैठा है। अल्लाह करे यार इसकी तबीयत सही हो जाए, यही दुआ अल्लाह ताला से, और आप लोग भी दुआ करें अल्लाह करे इसकी तबीयत सही हो जाए। भाई जल्दी जल्दी मैं आपका भाई पैसे लाना ही भूल गया, मैं इतना मतलब टेंशन में था पैसे उठाने ही भूल गया। अभी यहाँ पे आया, मैंने पूछा भाई कितने पैसे लगेंगे इसको चेकअप करवाने में, उन्होंने बोला 1000 रुपये लगेंगे। मेरी जेब में तकरीबन मेरी जेब में सिर्फ 200 रुपये पड़े हैं, अब 200 रुपये का घंटा कोई इलाज होगा। तो अभी सोनू भाई को मैंने इधर बिठा दिया, बोले भाई जल्दी से पैसे लिया, मेरी बिल बिला वजह बेइज्जती हो जाएगी। अरे भण जो है ना वो एक साथ ही होते हैं, पैसे लेने भूल गया था, अभी घर आया हूँ और फिर पैसे लेके जाऊंगा दोबारा गुलशन। आप देख रहे हैं सिर्फ एक बंदे की मना करने की वजह से कि यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते, हम कहीं और क्लिनिक में गए। भाई अभी डॉक्टर जो है वो दूसरी बिल्लियों वगैरह का इलाज कर रहे हैं, जब तक ये हमारे पास बैठा हुआ है। इसको इसका नाम पता है आपको क्या है, इसका नाम है सफ़ेद बंदर, मेरी मामा ने रखा हुआ है इसका सफ़ेद बंदर। और भाई ये उसके भी सेम यही मम्स हो गए थे, तो ये पता नहीं क्या है अचानक से, ये मुझे लग रहा है कैट फूड खाने से हुआ, फिर हो जाता है ये जबड़े और यूरिन, ये मतलब सर्वाइवल का वक्त। अच्छा
अगर ज़्यादा बढ़ जाए, हम देखिए ना, वो सर्जरी की बात है, क्या था। सलाम वालेकुम। बिल्ली के, मेरे जो कैट है ना, इसके मम्स हो गए हैं बहुत। ये देखें इसके, ये ना इसके कुछ भी नहीं करता ये माशाल्लाह से। अच्छा। यहाँ पे और इसका एक और जो भाई है ना, उसके भी सेम ऐसे ही हुआ था, मगर उसके फट गया बेचारे। अच्छा। वो पूरा ना इसके यहाँ से ब्लीडिंग भी हुई, कोई पस भी निकला ऐसा करके कुछ। खाना पीना ये कर रहे हैं? खाना पीना कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं और हालांकि इसको ना पहले हड्डी वाला गोश्त देता था, अब इसको दे रहा हूँ मैं बोनलेस। उल्टी मोशन तो नहीं? उल्टी मोशन कुछ भी नहीं कर रहा है, सुस भी नहीं है, सब सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है सर इसका? है सफ़ेद बंदर। सफ़ेद बंदर इसका नाम वालदा ने रखा है, सफ़ेद बंदर। शरारती है? शरारती है बहुत। बुखार भी इसको हो रहा है सर, 104.3। अच्छा अच्छा ये जो है ना, इसको यहाँ पे दाना हुआ है बड़ा। सही है। देखिए तो अभी ये वाले जो बाल हैं हम रिमूव करेंगे, ठीक है? अच्छा। देख लेते अगर यहाँ पे खुद का सुराग है तो ये पस वहीं से निकालेंगे, अगर नहीं है यहाँ पे हल्का सा प्रेक करेंगे, ठीक है? अच्छा, इसके पास मतलब ये फाड़ देंगे आप? जी जी, हल्का सा प्रेक करेंगे इस पे ताकि जो तकलीफ तो नहीं होगी जी, मैं कला इतनी तकलीफ तो नहीं होगी? तकलीफ थोड़ी सी होगी। अबे यार भाई, हमारे प्यारे से भाई हैं जो डॉक्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा हल्का सा चीरा लगाना पड़ेगा और इसका जितना भी अंदर पस जमा हुआ है ना, ये निकल जाएगा। बस यार अल्लाह ताला इसकी तबीयत सही कर दे बस, और यही चाहिए और कुछ भी नहीं। इतना दिल में दर्द हो रहा है ना जब इसको ऐसे इस हालत में मैं देखता हूँ, लग रहा है बस ये सही हो जाए जल्दी से। तुम्हारे फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। ये तो बहादुर बच्चा है, कुछ भी नहीं होता इसको। बहादुर है ये तो, बहुत बहादुर है। पूरा फंस गया तो यहाँ से हल्का सा कट लगा लेते हैं। तो बहुत बहादुर बच्चा है। मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा भाई। वह भाई मुझसे तो बहुत बुरी हालत हो रही है, मुझे नहीं देखा जा रहा। वह किस तरीके से चीख रहा है बेचारा। क्या वो पस निकला है अंदर से पूरा, यहाँ पे पस भरा हुआ था उसके। कलर देखा उस पस का? वही एंटीबायोटिक और अलग अलग है, इसमें हाइड्रोजन है, ये इसके उस जगह पे लगा रहे हैं जहाँ पे इसके ज़्यादा ज़ख़म बना हुआ है, क्योंकि वो काटा है ना वो एरिया, उसमें से पस निकला है बहुत सारा। तो अब इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया ये, इसकी खातिर तवाज़ो अब हम घर जाके करेंगे। बिस्मिल्लाह, इधर आओ इधर आओ। ये छोटा भी है ना, मगर इसी में लाए थे हम, मजबूरी थी, क्या करते। बैठो बैठो बैठो, नीचे बैठो, आ जाएगा आ जाएगा, थोड़ी देर में खुद ही सेट हो जाता है अंदर, वो मसला नहीं है यार। हम लोग जो आवाम को थे ना, काफ़ी सीन हमने दिखाए नहीं, दिखा नहीं सकते थे, जो इंजेक्शन लगा इसको, 3-4 इंजेक्शन ठोके, जो तकलीफ़ में था, और जिस तरह से इसकी वो पस निकाली है, फाड़ी है, बहुत तकलीफ में था। यही चीज़ अगर इंसान के साथ हो तो कैसी हालत होगी यार उसकी। इंसानों के साथ भी होती है, इंसानों के हॉस्पिटल में भी जाएं तो बहुत बुरी हालत है, किसी को बीमारी ना दे। आमीन आमीन, सबको शिफा दे। आमीन आमीन। माशाल्लाह से भाई अब हमारा जो सफ़ेद बंदर है वो अब सलामत है और सही है। इसके अंदर से इतना सारा पस निकला है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। जैसे उसने यहाँ पे कट लगाया ना, ऐसे करके पस निकला, वो तो मैं नहीं दिखा सकता था, मुझे खुद अजीब सा हो रहा था देखने में, मतलब खुद ना। हालांकि मेरा दिल कितना मजबूत है, मगर नहीं देखा जाता यार, अपनी जो चीज़ होती है ना, जो अपने साथ रखते हैं जिसको, नहीं देखा जाता है।